जनपद हापुड़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर की घटना के खिलाफ धरना देकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मणिपुर में 4 मई को घटित दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बरतापूर्ण घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार को इस मानवीय त्रासदी के मूकदर्शक बनाने के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने मणिपुर के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस हिंसा ने दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में भी तानापूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं लोकदल का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। हमारा आज एक ही उद्देश्य है कि इस हिंदुस्तान के अंदर भिन्न भिन्न जातियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों के खिलाफ सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही। हमारा ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है, महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा के लिए ये ज्ञापन दिया गया है कि इस देश के अंदर महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। जिस प्रकार से महिलाओं का चीर हरण किया जा रहा है, उनके अस्मत के साथ लूटा जा रहा है अस्मत को, उनके खिलाफ हम लोग इसी प्रकार से अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे तब तक सरकार सही दोषियों को शिकायत के खिलाफ ना कार्रवाई ना करेगी। मेरा नाम रविंदर सिंह, RLD जिला अध्यक्ष रविंदर प्रधान जी। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है ये ज्ञापन? आज हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जैन जी के निर्देशानुसार पूरे आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मणिपुर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उसके विरोध में आज हमने सभी कलेक्ट्रेटों पर सांकेतिक धरना और ज्ञापन दिया DM माध्यम से राज्यपाल महिमी के नाम से। ज्ञापन में आपसे क्या मांगे हैं? ज्ञापन में यही मांगे हैं कि उनके जो उनके दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। ये थी हापुड़ से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरीके की और जानकारी के लिए बने रहे टुडे जुनून के साथ। नमस्कार।